हेलो बच्चों, लेट सीधा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है ए वन ए टू ए थ्री एंड सोन ए एन माइनस वन ए एन बी एन जी पी सच दैट, इक्वेशन दिया तो हमें जी पी का कॉमन रेशियो क्या हो सकता है। तो हमें दिया है थ्री ए वन सेवन ए टू थ्री ए थ्री माइनस फोर ए फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसको कुछ है ना, इसकी फर्स्ट टर्म मान लेते हैं ए, इसकी क्या करते हैं फर्स्ट टर्म क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं, या एक काम करते हैं सेवन ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। तो देखो बेसिकली यहाँ फोर ए वन चाहिए, तो फोर ए वन और सेवन ए टू यहाँ ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कितना लिखा थ्री ए थ्री, तो यहाँ पर आएगा फोर ए थ्री और ए फाइव। ठीक है, सेवन फर्स्ट टर्म को मैं कैपिटल ए से डिनोट कर लेता हूँ, ए वन है वैसे कैपिटल ए मान लेता हूँ, कॉमन रेशियो कैपिटल आर, और ये आ जाएगा हमारे पास ए आर स्क्वायर फोर ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर चार। तो सेवन ए वन प्लस आर स्क्वायर और फोर ए, ठीक है जी, वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर चार। तो ए से ए कैंसिल आउट, ठीक है, तो इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, तो वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर और वन प्लस आर स्क्वायर माइनस आर इज इक्वल टू वन प्लस आर स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट। ठीक है, तो कितना आएगा फोर प्लस फोर आर स्क्वायर माइनस फोर आर इज इक्वल टू सेवन। तो फोर आर स्क्वायर माइनस फोर आर माइनस थ्री बराबर ज़ीरो। तो फोर आर स्क्वायर माइनस सिक्स आर प्लस टू आर माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। टू आर कॉमन ले लिया, टू आर माइनस थ्री प्लस वन कॉमन ले लिया, टू आर माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। आर की वैल्यू माइनस वन बाई टू या फिर आर की वैल्यू थ्री बाई टू, कौन सा मैच हो रहा है इसमें थ्री बाई टू। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर टू। आई होप यू अंडरस्टूड द